Hey guys, this is Upen and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all know कि पहले हम लोग editorial के स्कमिंग करते हैं, जिससे हमारी जो भी examination में comprehension type question आते हैं उसमें हमारी speed बढ़ सके और हम जल्दी से comprehension type question कर सकें और कोई भी answer हमारे गलत ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस data से उस पैसे से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें जल्दी से. इसलिए हम लोग स्कमिंग की पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पूरे पैसेज की एनालिसिस करते हैं. और मेरा सजेशन आप लिए भी यही है कि पहले पैसेज को जाके आप स्किमिंग कर लो एक बार, उसके बाद आगे एनालिसिस वीडियो देखो. सो हम लोग पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पैसेज है फ्रेंड्स, आज ये द हिंदू का नहीं है. जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा है कि द हिंदू की एक लिमिट होती है आप कितना फ्री में एडिटोरियल पढ़ सकते हो. मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है द हिंदू का, इतना पैसा नहीं है भाई. तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज द हिंदू नहीं है, एक दो दिनों में वो लोग रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं ये देख लेता हूँ यहाँ से. और ये है फ्रेंड्स मेरा, मैंने निकाल लिया है कहाँ का आज का एडिटोरियल. ये है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल. सो सॉरी फॉर डैड, आज द हिंदू का एडिटोरियल नहीं कर पा रहा हूँ मैं. देखता हूँ कल दूसरी ईमेल आईडी वगैरह से जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ. बट आज के लिए जो हमारा एडिटोरियल है वो फ्रेंड्स है ड्रिवन बाय द अर्ज फॉर पैरिटी विद इंडिया. पाकिस्तान ए क्यू खान वॉज रेडी टू स्टील एंड सेल न्यूक्लियर सीक्रेट्स. तो पैरिटी मतलब बराबरी होता है आई थिंक. तो इंडिया के साथ बराबरी के लिए शायद पाकिस्तान के एक एक खान जो थे वो स्टील चुराना और न्यूक्लियर सीक्रेट्स को चुराने और बेचने के लिए तैयार थे. क्या है आगे पता चलेगा. एक एक खान टुक द ब्लेम फॉर प्रोलिफरेशन टू डिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल ऑप्रोब्रियम डैट केम इस्लामाबाद वे दो द लास्ट वर्ड ऑन द मैटर इज येट टू बी सेड. तो एक एक खान ने ब्लेम लिया है फॉर, उन्होंने एक ब्लेम एक्सेप्ट किया है फॉर प्रोलीफ्रेशन, नहीं पता मेरे को, टू डिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल ऑप्रोब्रियम भी नहीं पता मुझे, डैट केम इस्लामाबाद वे दो द लास्ट वर्ड ऑन द मैटर इज येट टू बी सेड. नहीं समझ में आया फ्रेंड्स. चलिए जल्दी से फिर पैसेज की स्कीमिंग करते हैं, साथ वहाँ से कुछ समझ में आए. खान वॉज अ बेनिफिशरी ऑफ द न्यूक्लियर वेस इन द सब कॉन्टिनेंट. अब्दुल कादिर खान हु डाइड इन इस्लामाबाद एज 85 ऑन संडे वॉज टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अरब साइंटिस्ट हु स्टोल एंड सोल्ड न्यूक्लियर डिजाइन टू नेशंस स्टेट्स डैट वर एबल एंड विलिंग टू बाय देम. हिज क्लाइंट्स रिपोर्टेडली इंक्लूड्स नॉर्थ कोरिया लिबिया एंड ईरान आफ्टर द US ब्लो हिज कवर इन 2004. खान कन्फेस ऑन प्राइम टेलीविजन ही हैड ट्रेडेड इन न्यूक्लियर सीक्रेट्स डिस्क्राइबिंग हिज एक्शन एज एन एरर ऑफ जजमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन. पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ रिप्लेस खान अंडर हाउस अरेस्ट. पाकिस्तानी कोर्ट रिवोक द अरेस्ट सून आफ्टर द जनरल मूव आउट थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज ट्रेवल रिमेंड. नन ऑफ दिस डिनेटेड हिज पॉपुलरिटी इन पाकिस्तान वेयर ही कंटिन्यू टू बी हेल्ड एज अ हीरो ऑफ डिलीवरिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब्स. सो भाई साहब एक हैं साइंटिस्ट कोई पाकिस्तान की, उनकी बात हो रही है, नाम है ए के खान अब्दुल कादिर खान. तो वो 85 साल में निपट गए और इस्लामाबाद में संडे को. तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि वो एक रब साइंटिस्ट थे, रॉक साइंटिस्ट थे. इसका क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, देखेंगे हम लोग. स्टोल, ओके जल्दी से करते हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर डिजाइन को स्टोल करना उनको बेचने के लिए जो भी खरीदने को तैयार हो, जैसे नॉर्थ कोरिया लीबिया ईरान को उन्होंने शायद बेचा था ऐसा कहा जा रहा है. ये करते थे तब तक जब तक US ने उनको अनकवर नहीं कर दिया. उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया TV पे कि उन्होंने, उनका एक रॉन्ग जजमेंट था, उन्होंने ऐसा किया था, एरर ऑफ जजमेंट, उनके जजमेंट में एरर हो गई. US के प्रेसिडेंट प्रेशर में पाकिस्तान ने उनको क्या किया, जेल दे दी. कैसी जेल, हाउस अरेस्ट. उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही कुछ ही दिनों में जब उसकी हाई कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट थी पंजाब की, उन्होंने हटा दिया और उनको बस ट्रैवलिंग पे उनको बैन किया गया, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें के लिए फ्री थे. इतना सब कुछ होने के बाद मतलब अपने देश से सीक्रेट बेच रहे हो, उसके बाद भी वहाँ की जनता उनको हीरो मानती है और उनको, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिया. हाँ भैया उनके लिए इससे बड़ी बात क्या है कि भारत से वो लड़ सकते हैं, डैट सेट. वहाँ की जनता यही चाहती है कि भारत के बाद न्यूक्लियर बम हमारे पास भी होना चाहिए, चाहे वो बंदा कैसा भी हो, कितना करप्ट हो, उनके सीक्रेट बेच के खुद की जेब भर रहा हो. तो ये है पंजाब की जनता, सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान की जनता, सॉरी पंजाब पे अभी आर्टिकल पढ़ रहा था वहाँ से निकल आया, पंजाब यार कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, सॉरी.
Han was a beneficiary of the nuclear race in a subcontinent. He was working in a uranium enrichment facility in Holland, where Indian exploded a nuclear device in Pokhran in 1974. Khan, whose family had migrated from Bhopal after partition, offered his service to Islamabad, which was looking to acquire nuclear capability and compete with New Delhi, and joined the Pakistan Atomic Energy Commission in 1976. A Dutch court later convicted him for stealing blueprint for making centrifuges and other components. Pakistan first detonated a bomb in 1998, detonated a bomb days after India exploded a second device in Pokhran, though it was rumored to have acquired it in the 1980s itself. Khan was feted by the Pakistani state and venerated by citizens for the feat. So kya hua ki खान जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में जो भी न्यूक्लियर रेस चल रही थी उसमें उसके एक बेनिफिशरी हैं. ही वॉज ये यूरेनियम इनरिच फैसिलिटी हॉलैंड में काम कर रहे थे. ये हॉलैंड की एक न्यू यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी में काम कर रहे थे, तभी इंडिया ने पोखरान में जो है न्यूक्लियर बम का वो कर दिया, डिटोनेट कर दिया 1974 में. और तब पाकिस्तान में भी मांग उठ रही थी कि भाई उनको चाहिए, उनको भी न्यूक्लियर बम होना चाहिए, भारत के पास है, भारत उनको बर्बाद कर सकता है. तो ये भोपाल से इनकी फैमिली गई थी पार्टीशन में पाकिस्तान, और इन्होंने इस्लामाबाद को अपनी सर्विस ऑफर की, और उसमें उन्होंने कहा जो पाकिस्तान न्यूक्लियर सर्विस उसको चाहिए थी. तो तभी पाकिस्तान ने इनको फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब दे दी, इनको रख लिया अपने पास. एक डच कोर्ट ने इनको बाद में कन्विक्ट भी किया कि भैया उन्होंने ब्लूप्रिंट चुराए हैं उनके, जिसमें वो सेंट्रीफ्यूज और अदर कंपोनेंट बनाने के. तो पहला जो बॉम्ब है पाकिस्तान का वो डिटोनेट किया 1998 में, उन्होंने पहला जो है परीक्षण किया काफ़ी दिनों बाद. और तब हमारा इंडिया दूसरा परीक्षण कर रहा था पोखरान में फिर से, और ये र्यूमर्स वैसे चल रहे थे काफ़ी दिनों से, वो लोग फैला रखे थे कि हमारे पास आइटम, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने बना रखा 1980 से चला रखा था. आई डोंट नो क्यों सही था गलत था, ऐसा था. खान वॉज फिटेड बाय द फेटेड बाय द पाकिस्तानी स्टेट एंड वेनरेटेड बाय सिटीजन फॉर द फीस. तो फिर खान की प्रशंसा हुई इसके लिए शायद. अब यार फेटेड और वेनरेटेड का मतलब नहीं पता, तो हम देखेंगे ना. खान कम टू एम्बॉडी द स्टेल्थ ऑफ पाकिस्तान डीप स्टेट दैट इग्नोर द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कॉन्सेंसस ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन टू परस्यू इट्स गोल्स ऑफ पैरिटी विद इंडिया. हिट took the blame for proliferation to deflect the international opprobrium that come Islamabad's way, though the last word on the matter is yet to be said. तो क्या हुआ, खान ने सारा अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि भाई उस समय आप एटम बम नहीं बना सकते थे, एक न्यूक्लियर ट्रीटी चल रही थी कि लोग न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हैं, उसका उल्लंघन किया था इन्होंने, सारी चीज़ें अपने मत्थे ले ली. और उन्होंने वो सारा जो पाकिस्तान पे ब्लेम आ रहा था, इस्लामाबाद पे ब्लेम जा रहा था, उसको डिफ्लेक्ट करके अपने ऊपर ले लिया. सो ये छोटा सा पैसेज था फ्रेंड्स हमारा. सॉरी थोड़ा गला ख़राब है आज मेरा. तो आप देख लो अब्दुल कादिर खान, तो भाई साहब बंदा भले ही चोर था बट पाकिस्तान के लिए तो हीरो ही था. जब उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया तो जनता तो उसको हीरो मानेगी. दैट्स इट, ये था हमारा पूरा आर्टिकल. अभी देखते हैं, बड़े बड़े भयंकर भयंकर वर्ड्स मिले थे फ्रेंड्स. ये स्किमिंग हो गई, छोटा सा पैसेज था, जल्दी से हो गई. फिर से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं पूरा क्लियरली. एके खान अब्दुल कादिर खान टुक द ब्लेम फॉर प्रोलिफिकेशन. पहली बात तो ये बड़ा सा वर्ड, इसका मतलब देखते हैं. निगेटिव वर्ड ही लग रहा है ऐसा, मतलब सुनने में. रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, इंक्रीज एक्सपेंशन ग्रोथ. ओके, ब्लेम फॉर प्रोलिफिकेशन टू डिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल तो ये जो एक्सपेंशन है इंटरनेशनल ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है फ्रेंड्स हार्श क्रिटिसिज्म और सेंसर, अब्यूज, डिसग्रेस, सेम, जिसकी इसको इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, सेम, डिसग्रेस मतलब गलत वर्ड है, इंटरनेशनली जिसकी बेइज्जती की जाए, समझ लो ना, उसको बुरा भला कहा जाए, ऐसा कुछ. तो ये इनको ब्लेम जाता है एके खान ने, जो
हाँ, ए के खान ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया था, पाकिस्तान मतलब इस्लामाबाद के ऊपर जो भी बेइज्जती कर रही थी पूरी दुनिया की, बुराइयाँ जो उनकी आ रही थी उसके ऊपर सारा उन्होंने डिफ्लेक्ट कर लिया। और वो ब्लेम क्या था, प्रोलिफिकेशन, प्रोलिफिकेशन का ब्लेम था। तो ये जो प्रोलिफिकेशन करने का ब्लेम था वो उन्होंने ले लिया है, प्रोलिफिकेशन का। तो यहाँ से कुछ मतलब, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, एक्सपेंशन, ग्रोथ, राइज, एस्केलेशन। तो एस्केलेशन के लिए कह सकते हैं, या फिर एक्सपेंशन, या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब से एक्सपेंशन को कह सकते हैं। प्रोलिफिकेशन का जो भी ब्रेन था, न्यूक्लियर बॉम्ब को बढ़ाने का, फिर या रीजनल इंस्टेबिलिटी जो भी है उसको बढ़ाने का, इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल ओप्रीबियम, ओप्रीबियम मतलब होता है अब्यूज़, इंटरनेशनल अब्यूज़ जो भी आ रहा था पाकिस्तान के ऊपर वो सारा खुद पे ले लिया। तो द लास्ट वर्ड ऑन द मैटर इज़ येट टू बी सेट, लेकिन अभी आखिरी ये जो मैटर था पूरा उसमें कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं कहने को। खान वॉज अ बेनिफिशरी ऑफ द न्यूक्लियर रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जो सब कॉन्टिनेंट में एक न्यूक्लियर रेस चली थी उसका बेनिफिशरी जो है खान है। अब्दुल कादिर खान हु डाइड इन इस्लामाबाद एज 85 ऑन संडे वॉज टू मोस्ट ऑफ द वॉज टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज रेग्यू साइंटिस्ट हु स्टोल एंड सोल्ड न्यूक्लियर डिजाइन टू स्टे नेशन स्टेट एट वर एबल एंड विलिंग टू बाय देम। अब रॉक्यू साइंटिस्ट क्या होता है, पहली बात तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखते हैं। वाइग्रेंट, ट्रैम्प, डिसहोनेस्ट, डिसहोनेस्ट मतलब समझ लो झूठा साइंटिस्ट। एक डिसहोनेस्ट साइंटिस्ट को रग साइंटिस्ट कहते हैं। तो जिन्होंने चोरी की, न्यूक्लियर डिज़ाइन चुराए दूसरे देशों से, और जो भी उसे ख़रीदना चाहता था, इस क्लाइंट्स उनके थे नॉर्थ कोरिया, लीबिया एंड ईरान। ये सारा चीज़ें वो कर रहे थे तब तक इनका भंडा फोड़ कर दिया था यूएस ने। ब्लू ऑफ, ब्लू अप मतलब क्या होता है, ब्लू इज़ कवर, उनकी सारी जो परतें थी खोल दी थी, उधेड़ दी थी। बखिया खान कन्फेस ऑन प्राइम टेलीविजन डेट ही हैड ट्रेड इन न्यूक्लियर सीक्रेट, डिस्क्लेमिंग हिज एक्शन एज एन एरर ऑफ जजमेंट। चलो एरर ऑफ जजमेंट उसे समझ में आ रहा है, बट देख लेते हैं हम लोग, देख लेने में क्या बुराई, कभी कभी चीज़ें अलग निकल जाती हैं। एरर ऑफ जजमेंट भाई साहब जल्दी से ढूंढ दो। पुअर डिसीजन, ओके, उसको पुअर डिसीजन, ये गलत डिसीजन बताते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें मान ली और कहा कि ये गलत डिसीजन है, उन्हें नहीं करना चाहिए। अंडर प्रेशर फ्रॉम वाशिंगटन द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ प्लेस खान अंडर हिज अरेस्ट। पाकिस्तानी कोर्ट रिवोक द अरेस्ट सून आफ्टर द जनरल मूव्ड आउट थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज ट्रेवल रिमेंड। तो पाकिस्तान जो था उसको प्रेशर आ गया यूएस का, उसने इनके ऊपर जो है इनको अरेस्ट करा दिया, हाउस अरेस्ट थे। बट जैसे ही परवेज जनरल मुशर्रफ निकल गए राजनीति से, एज अ प्रेसिडेंट निकल गए, कोर्ट ने उनके जो अरेस्ट था उसको हटा दिया। बट हाँ, उनके रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर। नन ऑफ दिस डिटेंड हिज पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान वेयर ही कंटिन्यूड टू बी हेल्ड एज अ हीरो फॉर डिलीवरिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन पाकिस्तान में उनकी जो छवि बनी हुई थी, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनमें इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो अभी भी उसके हीरो कहे जाते थे जिन्होंने उन्हें न्यूक्लियर बम दिया। अब वो भारत के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसलिए खान वॉज अ बेनिफिशरी ऑफ द न्यूक्लियर रेस इन द सब कॉन्टिनेंट, ही वॉज वॉकिंग इन अ यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी इन हॉलैंड वेयर इन वेन इंडिया एक्सप्लोडेड द न्यूक्लियर डिवाइस इन पोखरान इन 1974। तो ये स्कॉटलैंड के, सॉरी होलैंड में एक फैसिलिटी थी यूरेनियम की, उसमें काम कर रहे थे, इंडिया ने न्यूक्लियर बम दगाया, ये चले आए, हमारा देश बुलाए रहे कि पाकिस्तान की फटी पड़े, चलो उसकी हेल्प करते हैं अपने देश की, क्योंकि न्यूक्लियर बम है इंडिया के पास। तो सच्चा देशभक्त कहेंगे इनको, यार अपने देश के लिए तो बहुत कुछ किया। मेरे को नहीं पसंद क्योंकि पाकिस्तान का था, इंडिया का होता पसंद होता, सिंपल सी बात। हुज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम भोपाल आफ्टर पार्टीशन ऑफर्ड हिज सर्विस टू इस्लामाबाद विच वॉज लुकिंग टू एक्वायर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड कैप्ट विद न्यू डेली एंड ज्वाइन द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1976। तो इनको रख लिया गया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में 1976 में। डच कोर्ट ने उसके बाद इनको
मुजरिम इनको कन्विक्ट किया, मतलब इनको दोषी पाया किसमें, चोरी में। ब्लूप्रिंट चुराए थे भाई ने सेंट्रीफ्यूज के, अदर कंपोनेंट्स के बम बनाने के, चोरी करके भी लाए थे अपने देश के लिए बाहर से। देख रहा हूँ पाकिस्तान फर्स्ट डिटोनेटेड अ बॉम्ब। पाकिस्तान का बम 1998 में बना, हालांकि कहा जाता है र्यूमर्स थे कि उनके पास ये 1980s में ही अवेलेबल था। शायद र्यूमर्स ही हो कि इंडिया अटैक ना कर देती हो कि हमारे पास भी, हमारे पास भी है। खान वॉज फेटेड बाय द पाकिस्तानी स्टेट एंड वेनरेटेड बाय द सिटीजन्स ऑफ। तो ये सारे र्यूमर्स थे। खान कम टू एम्बॉडी द स्टेल्थ ऑफ, ओके फेटेड मतलब देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ तो अच्छे वर्ड मिलने चाहिए। फेटेड अच्छे वर्ड मिल रहा है, फेटेड फेटे। अरे भाई साहब क्या है, बोलो, प्रोनाउंस नहीं कर रहा यार। फेट, सॉरी यार मैं क्या बोला, फेट किस फीलिंग होती है। ऑनर और इंटरटेन लावेसली, सी वॉज एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी फेटेड बाय द मीडिया। ग्लोरीफाई ऑनर, फेटेड मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, ऑनर करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, ऑनर करना। जैसे हमारे अभी नीरज चोपड़ा जी को कितना ग्लोरीफाई किया गया, उसको क्या कहेंगे, फेटेड बाय द मीडिया। नीरज चोपड़ा वॉज फेटेड बाय द मीडिया, ठीक है। और वेनरेटेड बाय द पाकिस्तान स्टेट ने उनको फेट किया, जैसे हम लोग करते हैं अपने देश के लोग को। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, पाकिस्तानी पब्लिक उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखती है, करना ही चाहिए भाई, देश के लिए इतना सब कुछ किया। फॉर द फीट, फीट मतलब एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज स्किल और स्ट्रेंथ। उनके अचीवमेंट्स उनके अकम्प्लिशमेंट के लिए, और ऐसी अचीवमेंट्स जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ करेज चाहिए हो उनके करेजियस बिहेवियर के लिए। तो ये देखिए तीन वर्ड निकले भाई, सही हैं, बहुत सही वर्ड हैं। खान वॉज फेटेड बाय द पाकिस्तानी स्टेट एंड वेनरेटेड बाय सिटीजन्स फॉर द फीट। बढ़िया, मतलब ये सेंटेंस ही रट लो यार, काफ़ी सही है। खान कम टू एम्बॉडी द स्टेल्थ ऑफ पाकिस्तानी डीप स्टेट दैट इग्नोर द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑन न्यूक्लियर प्रोलीफिकेशन टू परस्यू इट्स गोल ऑफ पैरिटी विद इंडिया। तो इन्होंने एम्बॉडी मतलब सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था, क्या, द स्टील्थ ऑफ पाकिस्तान। स्टील्थ मतलब क्या होता है, स्टील्थ मतलब होता है फॉर्टिवनेस, सेक्रेटिवनेस, सिक्रेसी, कॉशियस एंड सरप्टीशियस एक्शन ऑन मूवमेंट, सीक्रेसी, कावर्डनेस, मतलब जो एक सीक्रेसी थी, सीक्रेट चीज़ थी पाकिस्तान के डीप स्टेट्स की। डीप स्टेट क्या होता है यार, ये बहुत बार सुना है मैंने, चल देख लेते हैं इसको भी, काफ़ी लंबा हो रहा है पैसे, फिर भी देख लेते हैं। अ डीप स्टेट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नेंस मेड अप ऑफ अ पोटेंशली सीक्रेट एंड अनऑथोराइज नेटवर्क ऑफ पावर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अ स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप इन परस्यूट ऑफ देयर ओन एजेंडा एंड गोल्स। अच्छा, कोई और ही ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो सरकार के अंदर चुपके से अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। तो एक डीप स्टेट जो थी पाकिस्तान की, उसके सीक्रेट्स को इन्होंने एम्बॉडी छुपा रखा था, जिसने इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ा था, और कॉन्सेंसस ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, न्यूक्लियर नॉर्म था और जो कॉन्सेंसस थे न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, मतलब न्यूक्लियर किसका, अच्छा किसके प्रोलिफिकेशन की बात हो रही थी, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर की एक्सपेंशन में इनका बड़ा हाथ था, इन्होंने चुपके से किया, सबने करने लगा। टू परस्यू इट्स गोल ऑफ पैरिटी विद इंडिया, तो उनका जो डीप स्टेट का एजेंडा क्या है कि इंडिया के साथ बराबरी, उसके गोल के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाई थी, उसके न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन में इनका डी जो हाथ था पाकिस्तान के डीप स्टेट का, वो सारा उन्होंने खुद के ऊपर एम्बॉडी कर लिया था, सब खुद पे ले लिया था। ही टुक द ब्लेम फॉर प्रोलिफिकेशन टू डिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल ओप्रियम डैट केम्स इस्लामाबाद। तो इन्होंने जो एक्सपेंशन है, प्रोलिफिकेशन है, ये खुद को ले लिया था खुद पे, और उन्होंने जो भी इंटरनेशनल बेइज्जती आ रही थी पाकिस्तान के ऊपर, वो सारा डिफ्लेक्ट कर दिया था इस्लामाबाद से लेके खुद के ऊपर। द लास्ट वर्ड ऑन द मैटर इज़ येट टू बी सेड, लेकिन अभी जो सारी बातें नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, जवानी बाकी हैं, बट भाई सही था यार,
उसने अपने देश के लिए तो सही ही किया. सो दैट वॉज टूडेज पैसेज. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको कुछ अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू गाइस टुमारो. टिल देन टेक केयर.